गिरिडीह जिले के अंतर्गत जमुआ प्रखंड के नवडीहा निवासी निकेत इंद्र नारायण सिंह, जिन्होंने समाज से लेकर देश हित में कई कार्य को लेकर क्षेत्र का नाम रोशन किए। बुधवार को उनके 99वें जन्मदिन पर लोगों ने उनके फोटो पर फूल की माला पहनाकर उन्हें नमन किया। बता दें कि 23 फरवरी 1923 को निकेत परिवार में इंद्र नारायण सिंह का जन्म हुआ था। शुरुआती शिक्षा गिरिडीह उच्च विद्यालय में करते हुए हिंदू विश्वविद्यालय बनारस से इंग्लिश में स्नातक की। दोनों जगहों से शिक्षण प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक प्राप्त कर क्षेत्र का नाम रोशन किया। भारत चीन युद्ध में उन्होंने देश हित के लिए स्वर्ण पदक भारत सरकार को दान कर दिए थे। समाज पार्टी इनके लगाव को देखकर जनता इन्हें चाहती थी। यही कारण है कि 1957 से 67 तक जमुआ विधानसभा के विधायक और एक बार MLC रहे। क्षेत्र में शिक्षा की समस्या को देखते हुए इन्होंने 1959 में 620 जमीन उच्च विद्यालय को दान कर दिया और विद्यालय के संस्थापक रहे। सन 2000 में 17 दिसंबर को उनका निधन हुआ। जब तक वो रहे समाज और देश हित के लिए प्रतिबद्ध रहे। आज भी क्षेत्र में लोग उन्हें भूले नहीं हैं। आज के इस कार्यक्रम में उच्च विद्यालय नवाडी के प्रधानाध्यापक श्रीकांत सिन्हा, केशव प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक बलवंत सर एवं नुनूलाल सर, लिपिक बम शंकर, ओम प्रकाश महतो, सरफुद्दीन अंसारी, कामेश्वर वर्मा, राजू रजक इत्यादि लोग उपस्थित थे। जिस नोडिया की धरती पर ये चल रहे थे, उस नोडिया की धरती पर हम सब और हमारे विद्यालय के छात्र छात्राएं चल रहे हैं। इनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। और वो जो गोल्ड मेडल उन्होंने मिला, उन्होंने कुछ नहीं किया। जब भारत और चीन की लड़ाई 1962 में, तो देश हित में दान दे दिया। इन्होंने बस खरीद सकते थे, गाड़ी खरीद सकते थे, बड़ा पैलेस बना सकते थे, लेकिन वैसा नहीं किया, इन्होंने देश को ही दे दिया। और फिर 1959 में इनको लगा कि जब उतना दूर में हम पढ़े, तो यहाँ के लोग पढ़े लिखे आगे बढ़े, और आज सौभाग्य प्राप्त हुआ 1959 में